हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टॉप 5 इलेक्ट्रिक कार के बारे में, जो आपको महंगे पेट्रोल और डीजल से टेंशन फ्री कर देंगे। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं टॉप 5 इलेक्ट्रिक कार के खासियत के बारे में। भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक कारें धीरे धीरे काफी लोकप्रिय हो रही है। यही वजह है कि अब कार निर्माता कंपनियां इस सेगमेंट में नई नई कारें पेश कर रही है। फिलहाल भारत में ईवी दौर में टाटा मोटर्स काफी आगे हैं। कंपनी ने 2021 में ईवी सेगमेंट में 80% बाजार हिस्सेदारी पर कब्जा किया है। तो दोस्तों, आज के इस लिस्ट में 5th नंबर में जो कार है उसका नाम है महिंद्रा वेरिटो ईवी। महिंद्रा ने पिछले साल भारत में वेरिटो ईवी की 49 इकाइयां बेची। हालांकि अभी ये निजी खरीदारों के लिए उपलब्ध नहीं है। महिंद्रा वेरिटो ईवी में 72 वोल्ट लिथियम आयन बैटरी पैक मिलता है और यह 110 किलोमीटर प्रति चार्ज की ड्राइविंग रेंज देती है। इसकी इलेक्ट्रिक मोटर 41 एचपी की पावर और 91 एनएम का टॉर्क जनरेट करती है। इसकी कीमत वर्तमान में 10.16 लाख रुपए तक है। अब हम लोग बात करते हैं टॉप 4 इलेक्ट्रिक कार के बारे में। तो इस नंबर में है हुंडई कोना इलेक्ट्रिक। भारत में पहली लंबी दूरी की मास मार्केट ईवी थी। दक्षिणी कोरियाई कार निर्माता 2021 में भारत में कोना इलेक्ट्रिक कार की 121 इकाइयां बेचने में कामयाब रही। इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को 39.2 किलोवाट लिथियम बैटरी मिलती है, जिसकी दावा सीमा यानी इसकी रेंज 452 किलोमीटर प्रति चार्ज है। इसकी इलेक्ट्रिक मोटर 136 एचपी की पावर और 395 एनएम का टॉर्क जनरेट करती है। हुंडई कोना इलेक्ट्रिक की भारत में फिलहाल एक शोरूम कीमत 23.7 लाख रुपए तक है। तो अब हम लोग बात करते हैं 3rd नंबर के इलेक्ट्रिक कार के बारे में। 3rd नंबर में है टाटा टिगोर इलेक्ट्रिक कार। टाटा मोटर 2021 में टिगोर ईवी की 2611 यूनिट बेचने में कामयाब रही। इसका नया वेरिएंट पिछले साल अगस्त में लॉन्च किया गया था। इसमें 26 किलोवाट लिथियम आयन बैटरी मिलती है और इसमें प्रति चार्ज 306 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज का दावा किया गया है। इसकी इलेक्ट्रिक मोटर 75 HP और 170 NM का टॉर्क जनरेट करती है। टाटा टिगोर ईवी की मौजूदा कीमत लगभग 12 लाख। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे है MG ZS ईवी। कंपनी ने बीते साल इस इलेक्ट्रिक कार की 2798 यूनिट्स बेचने में कामयाब रही। MG के ZS ईवी में 44.5 किलोवाट लिथियम आयन बैटरी पैक मिलता है। इसमें सिंगल चार्जिंग में 419 किलोमीटर की रेंज मिलती है। इसकी इलेक्ट्रिक मोटर 143 HP की पावर और 353 NM का पीक टॉर्क पैदा करती है। MG ZS EV की कीमत फिलहाल 21.49 लाख रुपए है। अब हम लोग बात करते हैं टॉप 1 में जो इलेक्ट्रिक कार है उसका नाम है टाटा नेक्सॉन ईवी। टाटा नेक्सॉन ईवी 2021 में भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार थी। कंपनी CY 2021 में इस ईवी की 9111 यूनिट बेचने में कामयाब रही। टाटा के नेक्सॉन ईवी में 30.2 किलोवाट लिथियम आयन बैटरी मिलती है। ये 129 HP की पावर और 245 NM का पीक टॉर्क जनरेट करती है। कंपनी का दावा है कि ये सिंगल चार्ज में 312 किलोमीटर रेंज देती है, जिसकी कीमत 14.29 लाख रुपए तक है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इस चैनल में बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।